कैसा रहा? बहुत अच्छा, मुझे एक तेरा पुराना दोस्त मिल गया था। अच्छा अम्मा, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया, आपने मुझे इतनी गर्मी में क्यों भेजा? तुम्हें तो बाजार जाते हुए बहुत अच्छा लगता था, हा? और कभी इतनी गर्मी भी नहीं लगी। अम्मा वो तुम्हें आपके साथ जाता था इसलिए मजा आता था, सबके साथ जाता हूँ तो इतना मजा थोड़ी आता है। ए, मैं तेरा अब्बा हूँ, सब तो नहीं हूँ। अम्मा मेरी शॉपिंग भी सही तरह नहीं हुई। तुमने इसके लिए कुछ नहीं लिया? क्यों नहीं लिया भाई, ये सब कुछ इसके लिए तो है। अम्मा क्या हम बाल कटाने जा सकते हैं? पहले की तरह मैं शैम्पू करा लूंगा। अली अब तुम मुझे जानबूझ के तंग कर रहे हो, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए। अम्मा मैं थोड़ी कर रहा हूँ तंग आपको, आपको तो कोई और तंग कर रहा है। अम्मी ने खाने पे बुलाया है। हाँ तो बातें तो वही होंगी कि मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही, मैं यहाँ से गया क्यों था। तो ठीक है ना, तुम उन्हें बता दो, चुप क्यों रहे हो उनसे? भाई कुछ सेट तो हो जाओ ना, घर भी तो छोड़ना है। वो लंबे शहजाद का फोन आया था, वो जिसकी पतली सी आवाज है, याद है? नहीं, क्या कह रहा था? भाई उसे मेरे आने का पता चला तो उसने मुझे फोन किया, आजकल फैसलाबाद में होता है। वो कह रहा था शायद प्राइम एग्रो में मेरे लिए कोई गुंजाइश निकल सकती है। तुम फैसलाबाद जाओगे? भाई बेहतर फ्यूचर के लिए जाने में कोई हर्ष तो नहीं है। मैं और अली क्या करेंगे? क्या करेंगे, साथ जाएंगे और क्या। और मेरी जॉब? भाई हमेशा किसी ना किसी को तो कुर्बानी देनी होगी। तो इस मर्तबा कुर्बानी तुम दोगे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी जॉब यहाँ है, अली का स्कूल यहाँ है, उसके दोस्त यहाँ है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों, लोग कमाने के लिए बाहर नहीं जाते? तुम्हें कुछ अर्सा अकेला रहना पड़ गया तो क्या कयामत आ गई? पैसा भी तो जरूरी होता है जिंदगी के लिए। मुझे पैसों की नहीं तुम्हारी जरूरत थी, पैसा तुम यहाँ भी कमा सकते थे। 5 साल अकेले रहना आसान नहीं है। हमेशा अकेला मैं भी रहा हूं। ये फैसला तुम्हारा अपना था। तुम एक बात पकड़ कर बैठ गई, अगर मैं वहां कामयाब हो जाता तो तुम लोग मुझे सर पर उठा लेते, फिर कोई ना पूछता कि मैं वहां गया क्यों था। तुमने अली का एक पूरा दौर मिस कर दिया, उसके स्कूल का पहला दिन, उसके मसले, उसकी खुशियां, हर वक्त मैं उसके साथ थी। अब तुम वापस आए हो तो एक और नई डायरेक्शन में जाना चाह रहे हो? तुम्हारे साथ तो तुम्हारे घर वाले थे, अली था, तुम उनसे अपने मसले शेयर कर सकती थी, मैं किससे बात करता? तुमको पता है ईमेल में हम किसी को भी लेटर भेज सकते हैं, हमें सिर्फ टाइप करना होता है। तो तुम मुझे लेटर भेजो। मगर तुम्हारे पास तो ईमेल ही नहीं है, तुमको पता है इंटरनेट क्या होता है? नहीं। उससे दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। कैसे? ये तो अभी मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मेरे पास नया नया आया है ना इसलिए। तुम्हारे अब्बा तुम्हारे लिए क्या लाए? ये लो, टेनिस का रैकेट। तो तुम उससे खेल क्यों नहीं रहे हो? अभी तो मेरे पास रैकेट है ना, अब वो अगर मैं अभी से उससे खेलूंगा तो टूट होके खराब हो जाएगा। तुम्हें अपना वादा याद है ना कि तुमने मुझे शूज लाने? हाँ हम दोस्त हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, मिशा ने बात की थी मुझसे तुम्हारे सिलसिले में। अच्छा कब आई थी? 2 दिन पहले। मेरा ख्याल है कि तुम मेरे साथ ही शामिल हो जाओ मेरे रिसर्च सेंटर में। नहीं यार मुनीर, इससे दोस्ती में बहुत फर्क पड़ेगा, तुम्हें पता है प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में बड़ा गन पड़ सकते हैं। यार यार बेकार की बातें मत करो, देखो तुम्हारे प्रोजेक्ट्स अलग से होंगे, तुम उन्हें इंडिपेंडेंटली हैंडल करना, देखो मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। यार एक तो सारी दुनिया मेरी जॉब के पीछे पड़ चुकी है, ये लोग छोड़ क्यों नहीं देते मुझे अकेला? यार यार तुम्हें हर दफा फरार चाहिए, हकीकत का सामना करना ही नहीं चाहते हो तुम। यार मैंने बताया तुझे मैं कोई मामूली सी जॉब नहीं करूंगा। ये कोई मामूली जॉब नहीं है, खुद मुख्तार होगे तुम अपनी जगह पर। वैसे मुझे तो लगता है कि तुम्हारे अंदर जिम्मेदारी उठाने की सलाहियत खत्म हो गई है। देखो तुम्हारी एक बीवी है, बच्चा है। तो तुम्हारे ख्याल में मुझे उनका एहसास नहीं? मैं मुश्किल से मुश्किल हालात में भी उनको पैसे भेजता रहूं, यहाँ मैं दूसरे लोगों की तरह वहाँ पेपर मैरिज करके ग्रीन कार्ड भी ले सकता था, सारे यही करते हैं वहाँ जाके। तो यार तुमने किसी पर एहसान तो नहीं किया? मिशा ने शादी के लिए अपनी माँ की मुखालफत को बर्दाश्त किया था, कितने मसले फेस किए उसने यहाँ पर। आई एम सॉरी मुनीर, मैं वही फैसलाबाद वाली जॉब लूंगा, वो प्राइम एग्रो से मुझे ऑफर है। तुम्हारी मर्जी अमजद,
लेकिन देखो मेरी ऑफर मौजूद है। हुआ क्या है? तुमने मनीर से मेरी जॉब की बात की थी? हाँ, कुछ बना? मैंने मना कर दिया। मुझे कह रहे थे अपने प्रोजेक्ट पे मेरे साथ काम करें। क्यों? ये तो अच्छी ऑफर है। भाई मैं उसका एहसान लेना नहीं चाह रहा था, और तुम ही लोगों से रिक्वेस्ट ना क्या करो मेरे लिए। अच्छा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मुनीर तुम्हारा क्लास फेलो है, दोस्त है, और अगर मैंने कुछ कह दिया तो कयामत आ गई? भाई मुझे पसंद नहीं आया। तुम्हारी भी हजार चीजें मुझे पसंद नहीं आती, लेकिन मैं उन पे कोई एतराज नहीं करती। तुम्हें फैसलाबाद जाने में क्या प्रॉब्लम है, बताओ मुझे। मुझे अपने जॉब से कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे इंटरेस्ट पैदा करना पड़ा, और अब जब मुझे अपना काम पसंद आ रहा है, तुम चाहते हो कि मैं सब कुछ छोड़ के फैसलाबाद चली जाऊं? ये बात तुम आराम से भी कह सकती हो, चीख क्यों रही हो? क्या शोर मचाया हुआ है तुम लोगों ने? कुछ देर खामोश नहीं रह सकते? हम अंदर बात कर रहे हैं। मैं हो रही हूँ। आप पहले तो ऐसी नहीं थी। अली चुप करो, मैं और सोच में बोल सकता हूँ। सुनो पिंकी, अली फैसलाबाद नहीं जाएगा, और जब उसकी अम्मा उससे पूछेंगी तो मना कर सकता है, और अगर ना पूछे तो वो खुद बता देगा। उसके दोस्त, उसका स्कूल, सब यहाँ है, लेकिन अम्मा तो उसकी बात ये नहीं मानेंगी, वो तो हर वक्त अब्बू की साइड लेंगी। हाँ, तो ये सारी गड़बड़ अब्बू की वजह से है। हाँ ये तो है। तुम उस बच्चे को डरा रहे थे। अली, तुम्हारे इतने बुरे मार्क्स कभी भी नहीं आए। अम्मी, आपको पता है मैंने आज एक मजे की हरकत की? उसने क्लासरूम में एक बहुत गंदा वर्ड जोर से कहा, और टीचर ने उसे 10 मरतबा खुली करने को कहा। तुम उससे बात तो नहीं कर रहे हो? अम्मी, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन चुका है, और जब वो आया तो उसने मुझे आंख भी मारी। अली, ऐसा काम नहीं चलेगा। आई थिंक मुझे तुम्हारे लिए दोबारा ट्यूशन शुरू करनी होगी। अम्मी, पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता। पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे? फांसी पेचा करूंगा, और दिन भर के फांसे खुद ही खा जाऊंगा। अली, अम्मी मैंने एक नई दुआ मांगनी शुरू की है। क्या? मैं आपको नहीं बताऊंगा, इट्स अ सीक्रेट। तुम्हारी टीचर ने मुझे कल बुलाया है, वो मुझसे कुछ डिस्कस करना चाह रही है। ओप्स ओप्स, इज देयर समथिंग यू वांट टू टेल मी बिफोर आई मीट हर? नोप्स नोप्स। आप कह दें कि आप नहीं आ सकती, आप बहुत बिजी हैं, या आपको अब्बू का बहुत सारा काम करना है। ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो? खेल रहा हूँ। ये तुम्हारे खिलौने? तुम्हें अंदाजा है कितनी कीमती चीजें? कहाँ कहाँ से मैंने जमा किए हैं ये? अम्मी ने तो मुझे कभी मना नहीं किया। अम्मी को इनकी कदर जो नहीं है। सारा सत्यानाश कर दिया तुमने इनका। मैं तो आहिस्ता करके हाथ लगाता हूँ इनको। तुम खबरदार, आज के बाद अगर तुमने इनको हाथ लगाया, अच्छा मैं हाथ लगाऊंगा, जरूर लगाऊंगा। अब यहाँ क्यों आए? वापस चले जाए ना। क्या हो रहा है सब कुछ? अम्मी, अब मुझे खेलने ही नहीं दे रहे। भाई तुम दोनों क्या एक ही उम्र के हो, कैसे लड़ रहे हो? हाँ, और अली, अब मैं इस सारे सिचुएशन से तंग आ गई हूँ। मैं घर छोड़ के चले जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। क्या कह रहे हो तुम? मैं कुछ नहीं, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। अच्छा सुनो, तुमने खाना खाया है? नहीं। तुमने इसको खाना गर्म करके नहीं दिया? भाई मुझे क्या पता इसको भूख लग रही है। इट्स लंच टाइम भाई, स्कूल से आए, जाहिर है इसको भूख लगेगी। इतनी सी चीज तो तुम कर नहीं सकते।
तेजी से चेंज हो रहा है, सारी क्लास को डिस्टर्ब करता है। मुझे एहसास है, उसके मार्क्स भी इस दफ़ा अच्छे नहीं आए। एक्चुअली आजकल मैं उसे ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पा रही, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं। वो झूठ भी बोलने लगा है, और ऐसे झूठ जो आसानी से पकड़े जा सकते हैं, मिसबिहेव करता है। सरप्राइज, बिकॉज वो तो हमेशा रिस्पेक्ट करता था सबकी। इसीलिए तो बुलाया आपको मिस संजय, बच्चे ऐसी हरकतें तवज्जो हासिल करने के लिए करते हैं। आप उसे समझाएं, बात इतनी बिगड़ी नहीं है, वो बहुत ज़हीन है। हाँ, मैं मानती हूँ कि गलती हम लोगों की है, लेकिन आप लोगों को भी दूसरे बच्चों पर तवज्जो देनी चाहिए। जब से वो नया लड़का आया, क्या नाम है, अहमद, उसका असर काफ़ी पड़ रहा है अली पे। अहमद? हाँ, उसकी बातें बहुत मज़े ले लेके करता है, बहुत आइडलाइज सा करता है उसको। बहुत हैरत की बात है, लेकिन अली की क्लास में तो अहमद नाम का कोई बच्चा नहीं है। नहीं, कहीं से ट्रांसफ़र होके आया है। नहीं मिसेस अमजद, अली की क्लास में ना तो कोई अहमद है और ना ही कोई कहीं से ट्रांसफ़र होकर आया है। प्राइम एग्रो का लेटर किधर है? पता नहीं, मैंने इधर ही रखा था। प्लीज चीजें मत फैलाओ, सारा काम मुझे करना पड़ता है। तो बुआ को भी तो तुमने ही निकाला है ना? इसलिए कि हम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। इस घर में जो चीज जहाँ रखो वहाँ से मिलती ही नहीं है। चीजें वहीं पड़ी हुई हैं, तुम डिसऑर्गेनाइज्ड हो गए हो। चीजें रखते हो फिर तुम्हें याद नहीं रहती कि तुमने कहाँ रखी हैं। मैं समझता था लोगों को मेरी जरूरत है, इंतजार कर रहे हैं लोग मेरा, मेरी बीवी, मेरा बच्चा। तुमने कभी अपने लहजे पर गौर किया? तुम फिर सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। तुम्हें पता है अली के साथ क्या हो रहा है, उसे कितने बुरे मार्क्स आए हैं। उसकी टीचर मुझे कह रही थी कि वो झूठ बोलने लगा है और उस पर खुश होता है। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम उसके साथ रह रही थी, तुम्हारी तरबियत है। सारा बिगाड़ उसमें तुम्हारे आने की वजह से आया है। यही तो मैं कह रहा हूँ, जब से मैं इस घर में हूँ सारा सिस्टम इस घर का खराब हो गया। अली मुझे देख के रूड हो जाता है, मेरे से फ्रेंडली क्यों नहीं होता वो? तुमने कोशिश की है? की है मैंने कोशिश, मेरी हर बात का टेढ़ा जवाब देता है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं करूं क्या, मुझे तो एक्सपीरियंस भी नहीं है। तुम अपनी महरूमियों का रोना कब तक रोगे? अगर तुम्हारा बचपन सही नहीं गुजरा तो अली इसका जिम्मेदार नहीं है। अफसोस की बात है मिशा कि तुमने मुझे आज तक समझने की कोशिश ही नहीं की। मुझे नहीं पता था कि तुम एक टफ लाइफ मेरे साथ नहीं गुजार सकोगी। एक और बहाना मत बनाओ, और इस बार मुझे ब्लेम नहीं करना। और अमजद, हमें सोच लेना चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं या नहीं। तुमने मुझसे झूठ बोला है, तुमने मुझे शूज दिलाने थे। हाँ, तो दिला दूंगा। मगर तुमने प्रॉमिस किया था, मैंने तुम्हें प्रैक्टिस कराई है इतने दिन। ओके, मैं मना तो नहीं कर रहा, लेकिन तुमने टूर्नामेंट से पहले दिलाने का वादा किया था। दो दिन बाद मैच शुरू हो जाएंगे। मुझे अम्मी से बात करने का वक्त ही नहीं मिलता, वो बहुत बिजी रहती है ना। तुम खाने के वक्त बात कर सकते हो। अच्छा चलो सही है, तुम आज ही बात करो। अच्छा। वो समझ रहा है कि मेरी कोई पर्सनालिटी नहीं है। वो चला जाए तो मैं जॉब शुरू कर दूं, वो आ जाए तो मैं जॉब छोड़ दूं। लगता है मिशा बिल्कुल पत्थर ही हो गई है, 5 साल का गुस्सा एक ही दिन में निकाल देना चाहती है। पापा को तो किसी गेम में भी दिलचस्पी नहीं है, सारा दिन घर में बैठे रहते। अमेरिका से आने के बाद वो हंसना ही भूल गया, एंड ही इज गॉट सच अ वंडरफुल स्माइल। वो तो मेरी जरा सी तकलीफ पर परेशान हो जाया करती थी, अब इसे क्या हो गया है? लगता है अपने कभी प्लेलैंड भी नहीं देखा होगा। अली, मुझे तुम्हारी टीचर मिली थी। अली, आर यू लिसनिंग टू मी? मुझे तुम्हारी टीचर मिली थी।
अम्मा मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हैं? अली मैं तुम्हें ऐसे बिल्कुल नहीं देखना चाहती थी जैसे तुम बन गए हो। अम्मा मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, आप प्लीज मुझे 700 रुपए दे दे, मुझे अपने दोस्त को जूते दिलवाने हैं। एक और कहानी, अली तुम मुझे इतना तंग क्यों कर रहे हो? तुम्हारा कोई दोस्त वोस्त नहीं है, तुम्हें सिर्फ झूठ बोलने की आदत हो गई है। तुम तो बहुत अच्छे बच्चे थे। अम्मा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो क्या तुम्हारी टीचर झूठ बोल रही थी? अम्मी 700 रुपए होना बहुत इंसल्ट होगी। अली हम लोग ऑलरेडी काफी क्राइसिस फेस कर रहे हैं, पैसे दरख्तों पे नहीं उगते। लेकिन अम्मा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम्हारी ट्यूशन दोबारा शुरू हो रही है, छुट्टियों में तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और एक बात और सुन लो, अहमद अब वापस चला गया है, इस नाम का तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, अंडरस्टैंड? एंड टाइड योर रूम। अम्मी मैं इस मरतबा झूठ नहीं बोल रहा हूँ ना। अली मेरे साथ जरा चलो। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें जबरदस्ती भी लेकर जा सकता हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, समझो? चलो मेरे साथ, चलो चलो। पाँच छः सात, ये लो 700 रुपए, इतने चाहिए थे ना तुम्हें? नो थैंक्स, मैं तो सिर्फ अम्मा से मांगे थे। बेटे अगर अम्मा के पास नहीं है तो अब्बा से ले लो, ले लो। थैंक यू। आपको पता है मुझे किसके लिए चाहिए? नहीं, मेरे बेटे को चाहिए बस, मेरे लिए यही काफी है। अली बेटे मैंने आपसे एक बात करनी है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों से ना माफी मांगी है, लेकिन एक 9 साल के बच्चे से माफी मांगना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। आपको पता है जब मैं छोटा था ना, आपसे भी छोटा, तो मेरी अम्मी अबू की डेथ हो गई थी एक एक्सीडेंट में। जी मुझे मामू ने बताया था, मैं एक्सीडेंट से बहुत डरता हूँ। उसके बाद मैं अपनी नानी के पास चला गया रहने के लिए। सारा वक्त मेरा ध्यान मेरी पढ़ाई की तरफ हुआ करता था, मैं बस यही कोशिश कर रहा था कि मैं जल्द अज जल्द पढ़ लूँ ताकि मेरी नानी को मेहनत करनी ना पड़े। कि बड़ों की बातें आप समझ रहे हैं? जी मैं बड़ा हो गया। उसके बाद मेरी शादी हो गई, मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चों को बहुत सारा प्यार दूंगा, बहुत सारा। फिर बाहर चला गया पैसे कमाने के लिए, मीशा के लिए, अपने बेटे अली के लिए। और जब मैं वापस आया ना तो मैं भूल गया कि मेरा एक बेटा है जो रोज सुबह उठ के मेरी तस्वीर देखता है, मेरा इंतजार कर रहा है, जिसे मेरे से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता है। जी मैं सोचता था कि आप मेरे लिए बहुत सारा सामान लेंगे, बहुत सारा, और मेरे साथ खेलेंगे भी। मैंने अली को उसका अब्बा तो नहीं दिया, पर उसकी अम्मा भी छीन ली। अली बेटे मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, अगर आप चाहती ना मैं चला जाऊं तो मैं चला जाऊंगा।
मुझे आपसे सॉरी करना है। अली बेटा, आपको एक बात का पता है? मैं जब से आया हूँ आपने मुझे अब्बा नहीं कहा। अब्बा 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 अब्बा, आई एम सो सॉरी अब्बा। ये लेटर मैंने छुपा लिया था, मैंने खोला नहीं था। दूसरों के लेटर खोलना बुरी बात होती है। ये प्राइम मिनिस्टर का लेटर तुमने छुपाया था हैं? जी। खैर, इसकी अब जरूरत नहीं है, इसलिए कि अब्बा ने अब डिसाइड किया है कि अब्बा इधर ही रहेगा, मुनीर अंकल के साथ काम करेगा। सरप्राइज देना चाहते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि मुझे पहले से मालूम है।